लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्चुअली देखा था कुछ चीजें, एक कंसेप्ट नया इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो वो तो थ्योरी पार्ट था, उसमें हमने इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस क्या होती है और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस डिस्कस किया था। आज का जो प्रोग्राम है इसमें एक्चुअली हम इट विल बी अ डेमो डेमो टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का हम आज डेमो करेंगे, देखते हैं कि इनहेरिटेंस एक्चुअल में काम कैसे करता है। हम एक क्लास करेंगे क्रिएट, सपोज का नाम रखेंगे बेस क्लास। एंड बेस क्लास में सपोज हमें है इंट, इंट बी उसका नाम रखेंगे कुछ भी फिलहाल के लिए। विल हैव पब्लिक पब्लिक एक फंक्शन, या फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं रखते हैं, 2 मिनट के लिए हम फिलहाल सिंपल एक पब्लिक फंक्शन रखेंगे void show तो मैंने एक क्लास बनाया बेस क्लास। मैंने उसमें क्या काम किया, उसमें एक पब्लिक फंक्शन बनाई, सिंपल एक फंक्शन वाइड शो जो सी आउट करती है, एक मैसेज देती है आई एम इन बेस क्लास। सिंपल हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं, नाम रखते हैं डिराइव्ड डिराइव्ड क्लास रखते हैं इसका नाम, 2 मिनट के लिए इसका नाम डिराइव्ड रखते हैं। फिलहाल मैं अभी इसमें क्या करूंगा, सी आउट पब्लिक, इसमें पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा एंड पब्लिक में से वाइड शो टू इसका मैं नाम रखूंगा फिलहाल, तो सी आउट ड्राइवर, ठीक है। तो मैंने 2 क्लासेस बनाए यहाँ पे, वन इज बेस, इसका मैंने बेस नाम रखा और दूसरा मैंने ड्राइव नाम रखा, ठीक है। अभी तक मैंने इनहेरिट कुछ नहीं किया। अगर ऐसा है कि जो वाइड शो वाला काम है, सपोज एक ऐसा काम है, ये एक बेस क्लास कुछ ऐसा काम कर रहा है जो हमें ड्राइव में फिर से करना है, सपोज, तो एक तो ये तरीका है कि मैं यहां पे भी लिखूं एक सपोज वाइड शो एक फंक्शन बनाऊं, उसमें जो भी काम मुझे करना है मैं वो करूं, एक ये तरीका है। इस वाले तरीके में क्या इशू है, इस वाले तरीके में एक ये जो हम ये एक मेथड कर रहे हैं इसमें क्या इशू है कि हमने ये जो काम ऊपर किया था इस वाले क्लास में, यहां पर हम फिर से इस क्लास में कर रहे हैं ये काम, तो ये रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस, हम इनहेरिटेंस का जो हमने कंसेप्ट लास्ट वाले लेक्चर में समझा वो यही है कि कोड रिपीट नहीं होना चाहिए, कोड रीयूज होना चाहिए। अब अगर हमें कोड रीयूज करना है तो इसका मतलब हमें इस बेस क्लास को इस डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट करना है, यानी इसको इसमें यूज करना है, ठीक है। तो उस यूज करने का तरीका एक है, वी डू इट लाइक दिस, मैं इसको फिलहाल के लिए नीचे करता हूं। अब मैं चाहता हूं डिराइव्ड क्लास में मैं इस बेस क्लास को यूज करूं, आई एम डूइंग दिस, ठीक है, ऐसे। फिर इट्स कॉल्ड एज एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले आगे वाले लेक्चर्स में, एक दो लेक्चर्स में हमें पूरा समझना पड़ेगा कि वायर पब्लिक इज यूज्ड, वायर प्राइवेट इज यूज्ड, वायर प्रोटेक्टेड इज यूज्ड, इसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर कहाँ यूज होता है। फिलहाल हम पब्लिक यूज करेंगे, पब्लिक और फिर उस वाली क्लास का नाम जो मुझे इनहेरिट करना है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, क्लास ड्राइव्ड क्लास नेम
ठीक है, फिर हम ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर एंड फिर बेस क्लास का नाम। तो ये जो इसका एक तरीका लिखने का है, पहले लिखते हैं हम क्लास, ठीक है, फिर ड्राइव क्लास, जो हमने नया क्लास बनाया उसका नाम, जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम फिलहाल ड्राइव्ड ही रखा, ठीक है, फिर दिस कोलन एंड देन वी यूज एक्सेस स्पेसिफायर, हियर वी आर यूजिंग पब्लिक, वी गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर इन देन कमिंग लेक्चर्स, कि कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर कहाँ यूज होता है और उसका क्या इफेक्ट रहता है, फिलहाल हम पब्लिक यूज कर रहे हैं। एंड देन वी हैव दिस थिंग बेस क्लास का नाम, जो इसको इनहेरिट, जिससे ये इनहेरिट कर रहा है, तो उसका नाम। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लास, ठीक, फिर ड्राइव इसका अपना नाम, जो इस क्लास का नाम है, मैंने फिलहाल इसका नाम ड्राइव रखा, फिर पब्लिक, पब्लिकली मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, व्हाट इज पब्लिकली ड्राइव करना वो हम देखेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे कि वो क्या चीज़ है। एंड देन वी हैव दिस बेस क्लास का नाम, जो उसने ड्राइव किया उसका नाम, ठीक है। तो मैंने ये जब ये स्टेटमेंट लिखा, इसका मतलब इस वाले क्लास में ये जो फंक्शन है ये खुद ब खुद डिराइव हो गई, ये खुद ब खुद आ गई, कोड रीयूज नहीं, रीयूज हो गया लेकिन डुप्लीकेट नहीं हुआ, कोड रीयूज हुआ डुप्लीकेट नहीं हुआ। अब मुझे ये वाली फंक्शन जो है, ये शो वाली फंक्शन, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम यूज, सपोज मैं इस डिराइवड का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट OBJD, मैं इसका नाम रखता हूँ ऑब्जेक्ट ड्राइवर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइवर मैंने क्रिएट किया, अब इस OBJ ड्राइवर से मैं ऑब्वियसली इस शो टू को तो कॉल कर ही सकता हूँ, आई कैन कॉल दिस शो टू, शो टू को तो मैं कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसकी अपनी एक मेथड है, इसकी अपनी एक मेंबर फंक्शन है, शो टू, इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब जो है नया जो मैजिक है, मैजिक इनहेरिटेंस में ये है कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट डिराइव्ड है ये कॉल कर सकता है उस शो को भी, यानी ये कॉल कर सकता है जो उस फंक्शन को भी, उस मेथड को भी, या उन चीजों को भी यूज कर सकता है, यहाँ पे कॉल करने का मतलब यूज कर सकता है, जो कि बेस क्लास में थी। हालांकि बेस क्लास में, डिराइव्ड क्लास में ये शो टू फंक्शन थी ही नहीं, लेकिन क्योंकि इसने इसको डिराइव किया तो इसका मतलब ये इसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये सच में इसे यूज कर पाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास, भैया पहले तो मैंने इसके ऑब्जेक्ट ड्राइव्ड से शो टू को कॉल किया तो वो दिखा रहा है मुझे आई एम इन ड्राइव्ड, ठीक है। फिर मैंने उसी ऑब्जेक्ट से कॉल किया पहले बेस वाले फंक्शन को तो वो दिखा रहा है मुझे यहाँ पे आई एम इन बेस क्लास। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस वाली, ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना, नया ऑब्जेक्ट, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट दोनों क्लास के मेथड्स को यूज कर पाता है, यानी दोनों क्लास को वो अपने, एक तो अपने जो भी इसके इसके अंदर कोड होगा उसको तो यूज करेगा ही करेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसने यहाँ पर जो इसका बेस क्लास था जिससे हमने इसको ड्राइव किया था उसको भी यूज किया, ठीक है। अब वाइसी वर्सा जो है, वाइसी वर्सा इसका ट्रू नहीं है। सपोज वी विल क्रिएट अ बेस का, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट बी उसका नाम रखेंगे, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बी है ये शो को कॉल कर सकता है, नो डाउट, क्योंकि शो उसका जो है अपना, हमने उसका फंक्शन है। अब लेकिन ऑब्जेक्ट बी से अगर मैं शो टू को कॉल करना चाहूं, यानी उस वाली फंक्शन को जिसने इसको डिराइव किया है, तो अगर मैं ऐसा करना चाहूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इट विल गिव मी एन एरर। ऑब्वियसली ये मुझे बोलेगा कि इस वाले में तो कोई है ही नहीं शो टू, तो वाइसी वर्सा इज नॉट एप्लीकेबल हियर।
यानी डिराइव यूज कर सकता है बेस का, बेस डिराइव का यूज नहीं कर सकता, ये कंसेप्ट है। डिराइव यूज कर सकता है बेस का, लेकिन बेस डिराइव का यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे ये इट इज अ कंसेप्ट लाइक दिस कि अगर हमारे पास थ्री व्हीलर है, तो थ्री व्हीलर का जो टेक्नोलॉजी है उसकी टेक्नोलॉजी आ रही टेक्नोलॉजी फोर व्हीलर में हो सकती है, लेकिन फोर व्हीलर की टेक्नोलॉजी थ्री व्हीलर में नहीं होती, ये इस तरीका का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल प्रोग्राम था, हम एक इसका एक और तरीका भी देख सकते हैं, इसका हम थोड़ी सी चेंजेस में करते हैं, एक मैं इसको सेव करता हूँ। अभी हमने इसका खाली नाम बेस रखा था और इसका नाम डिराइव रखा था, हम कुछ और नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे नाम रखूंगा, सपोज मैं यहाँ पे सम नाम रखूंगा, सम, एंड आई विल यूज हियर टू वेरिएबल्स इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। अब ये जो मेरी फंक्शन है ये क्या कर रही है, सम सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, हियर वाइड सेट, हम सेट करेंगे इन दो का वैल्यू, ठीक है, इंटर टू नंबर्स, मैंने ये दो नंबर्स यहाँ पे सेट किए, ठीक है। तो एक और इसमें एक्चुअली हम बनाएंगे, अब इंट में बनाऊंगा, गेट इंटीजर टाइप है ये, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें रिटर्न करना होगा, तो मैं रिटर्न सीधे करूंगा ए प्लस बी, तो इन दो का सीधे मैं सम जो है रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो फंक्शंस है इसमें, सम में सेट जो सम ऑफ टू जो दो नंबर्स को सेट करता है, ठीक है, एंड उसके बाद वी हैव अनदर गेट जो हमें नंबर ऑफ इनका वैल्यू देता है, ठीक है। वी कैन है एक्चुअली यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू इन इन सम इनका वैल्यू भी डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पे, तो सेट वाली फंक्शन में मैं इसके दो यूजर से दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ और उनको फिर डिस्प्ले कर रहा हूँ कि ए और बी में जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले कर रहा हूँ, और गेट वाली फंक्शन में मैं रिटर्न कर रहा हूँ इन दो का सम, ठीक है। अब अगर एक और फंक्शन है मेरे पास, सपोज मेरे पास है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, तो ये इस सम को क्या कर रहा है, सम को इनहेरिट कर, ठीक है। या सपोज मेरे पास है एक फंक्शन जिसका मैं नाम रखता हूं कैलकुलेट, कैलकुलेट इस सम को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सपोज कैलकुलेट एक काम ऐसा कर रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स भी कर सकता है, सपोज यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल्स है, इसके अपने भी वेरिएबल्स है इंट, या मैं एक सेकंड यहाँ पे जो सारी ये चीजें हैं आई कैन यूज देम हियर, मैं ये ऊपर का जो सारा का सारा क्लास है मैं ये सारा पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सारा ये पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या इससे थोड़ा सा फायदा भी मिलेगा, सपोज यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ इंट गेट डिफरेंस, तो मैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रिटर्न करूंगा यहाँ पे रिटर्न ए माइनस बी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सपोज गेट मल्टीपल कर सकता हूँ यहाँ पे गेट
मल्टीपल एंड यहां पे मैं रिटर्न कर सकता हूं ए इनटू बी। अब देखो मैंने क्या किया एक्चुअली, यहां पे मुझे एक क्लास बनाना था कैलकुलेट, जो कैलकुलेट क्या कर रहा है, सम, ये सम ऑफ टू नंबर्स कर रहा है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स कर रहा है, ठीक है। लेकिन सम ऑफ टू नंबर्स की मैंने इसमें फंक्शन नहीं लिखी और ना ही मैंने दो नंबर्स इसमें यूज किए, क्योंकि मैं इसमें एक इनहेरिट कर रहा हूँ, एक क्लास में इनहेरिट कर रहा हूँ सम वाला क्लास। उस सम वाले क्लास में मेरे पास क्या है, मेरे पास पहले से ही दो वेरिएबल्स है जिनको मैं यहां भी यूज करूंगा, ठीक है। और मेरे पास पहले से ही इसमें एक फंक्शन बनी है जिसमें मैं सेट कर रहा हूँ दो वेरिएबल्स, ठीक है, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ इनका सम। तो ये जो काम किया हुआ है सम ने, ये मैं फिर से यहां नहीं कर रहा हूं। देखो मैं यहां पर खाली कर रहा हूं डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये कैलकुलेट अब खाली डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करेगा, ये इस गेट सम भी करेगा। सपोज इसको मैं नाम हूं गेट सम, तो ये इस गेट सम यानी सम ऑफ टू नंबर्स भी कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको इनहेरिट किया है, ठीक है। तो इस वाले क्लास में, ये जो हमारा ये वाला क्लास है कैलकुलेट वाला क्लास, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। इसमें एक तो आ गया पहले ही, ये सेट कर सकता है दो वेरिएबल्स को, इनका वैल्यू सेट कर सकता है, ये खुद से ही इनका रिटर्न कर सकता, सम अप टू नंबर्स इनका निकाल सकता है, और अपने में इससे जो कोड लिखा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स वो निकाल सकता है, एंड मल्टीप्लिकेशन अप टू नंबर्स भी निकाल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्चुअली इसका जो है वेरिएबल बनाएंगे, हम अब बेस का नहीं बनाएंगे, बेस का ऑब्जेक्ट हम डिराइव्ड का, क्योंकि डिराइव्ड पे हमें सारा कुछ निकलेगा। तो वी हैव कैलकुलेट एज आवर डिराइव्ड क्लास, तो उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओबीजे नाम रखते हैं उसका, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ओबीजे से पहले सेट करता हूं इन दो नंबर्स का वैल्यू सेट करता हूं। याद रखो ये जो सेट फंक्शन है बेस क्लास की फंक्शन है, जो हमारे पास बेस क्लास सम है, बेस क्लास क्योंकि हमारे पास सम है ये उसी की फंक्शन है। कैलकुलेट में सेट की कोई फंक्शन ही नहीं है, कैलकुलेट में देखो जैसे हमारे पास दो फंक्शन है, खाली हमारे पास दो फंक्शन है, यानी मेंबर फंक्शन दो है, एक गेट डिफरेंस जो डिफरेंस ऑफ टू नंबर देती है हमें, और गेट मल्टीपल जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर देता है। लेकिन ये जो सेट फंक्शन है ये इस बेस क्लास की यानी सम क्लास की फंक्शन है, लेकिन क्योंकि हमने इसको इनहेरिट किया है इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से हम इनका सम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ये रिटर्न, क्योंकि गेट सम जो है रिटर्न कर रहा है, गेट सम रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हमें इसको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, हम इसको सी आउट करा देते हैं फिलहाल, सी आउट सम इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स को हम सी आउट में यूज करेंगे, ठीक है। हम इसको मॉनिटर में देंगे क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है, वो हमें वैल्यू भेज रहा है, हम इसको अब यूज कर रहे हैं यहां पर, हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वी हैव इसकी अपनी एक फंक्शन भी है डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए ये अपनी फंक्शन यूज करेगा गेट डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट जो है हमें मल्टीपल भी यूज, मल्टीपल भी हमें निकाल के देगा, तो मल्टीपल को हम यूज करेंगे गेट मल्टीपल जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दो क्लासेस बनाए हैं, एक क्लास का नाम है सम, सम यूज कर रहा है दो वेरिएबल्स और उन दो वेरिएबल्स को सेट कर रहा है, डेटा उनमें ले रहा है फ्रॉम द यूजर, ठीक है। और उसके बाद सम में एक फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करते हैं वैल्यू सम ऑफ द टू नंबर, देन वी यूज अनदर क्लास कॉल्ड एज कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट फंक्शन है, कैलकुलेटर है, अब कैलकुलेटर में अगर हमने पहले से ही सम एक बना के रखा है तो हम इस सम को इनहेरिट कर रहे हैं, इसका मतलब हम सम का जो काम है फिर से नहीं करेंगे, वो किया हुआ है हम वो कोड रीयूज करेंगे,
अब देखो यहाँ पे ना मैं डेटा मेंबर्स लिख रहा हूँ क्योंकि वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं एक बार, मैं दूसरी बार नहीं लिखूंगा, मैं मेमोरी ज्यादा अपनी यूज नहीं करूंगा, मैं मेमोरी वही यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे जो नई काम मुझे नया काम करना था वही किया। उसमें जो एक काम था वो था गेट डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू नंबर जो कि सम ने नहीं किया था, और गेट मल्टीपल जो कि मल्टीपल ऑफ टू नंबर सम में नहीं किया था। जो मुझे नए काम करने थे मैंने वही किया, बाकी का कोड मैंने सारा का सारा सम का रियूज किया यहाँ पे, बिकॉज आई एम इनहेरिटिंग दैट। और जब मैं कैलकुलेटर का ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं सम का ऑब्जेक्ट बना नहीं रहा हूँ, कैलकुलेटर का ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कैलकुलेटर के ऑब्जेक्ट है क्या मैं सम वाली सारी फंक्शन यूज कर सकता हूँ, सम के सारे मेंबर्स यूज कर सकता हूँ। When I will compile it, I have some error here. पहले इस एरर को देखते हैं। तो यहाँ पे वाइड लिखा था, इसको इंट कर दिया हमने, तो ये थोड़ा सा एरर आ रहा था हमें, तो ये कर दिया हमने क्लियर। तो जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे कॉल हो रही है, मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम देखें, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, तो देखो मेरे पास, मैंने इस कैलकुलेट के ऑब्जेक्ट से पहले सेट को कॉल किया, ठीक है, तो सेट को कॉल हो गया। तो सेट में जो पहला है मुझे बोल रहा है एंटर टू नंबर्स, मुझे यहाँ आ रहा है एंटर द टू नंबर्स एंटर करो। तो सपोज हम एंटर करेंगे दो नंबर्स, एक 40 एंड द नेक्स्ट वन इज सपोज 20। तो हमने दो नंबर्स एंटर किए, इसने हमें दिखाया कि वैल्यू एंटर्ड इज ए इज कॉल्ड 40 एंड बी इज कॉल्ड 20। ओके ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट इसी से कर रहे हैं सम को कॉल। तो सम हमें सम ऑफ टू नंबर्स दे रहा है, तो सम इस ये बोल रहा है यहाँ पे हमें सम ऑफ द टू नंबर्स इज 60, यानी सम इज 60, 40 प्लस 20 इज 60। ओके ठीक है, देन वी हैव अनदर, हमने उसके बाद यूज किया था कि हमें डिफरेंस ऑफ टू नंबर दे दो, तो ये बोल रहा है हमें डिफरेंस इज इक्वल टू, क्योंकि हम ए माइनस बी कर रहे हैं, ए इज 40 एंड बी इज 20, ए माइनस बी इज 40 माइनस 20 इज 20। ओके, then we are using another function, another method, multiple. तो हम बोल रहे हैं multiple, तो ये हमें multiple निकाल के दे रहा है, 40 into 20 is called 800. तो इसका मतलब calculate वाले object से हमने वो वाला कोड भी रीयूज किया, हमें कोड फिर से कोई यूज नया नहीं लिखना पड़ा। वी आर एबल टू कॉल ऑल दीज फंक्शन हियर, इसमें जो कैलकुलेट की अपनी फंक्शन थी उसको भी हमने यूज किया, और जो बाकी फंक्शंस है उसको भी हमने यूज किया। सो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं पहले, एंड देन ऑब्वियसली वी आर यूजिंग दिस गेट सम। तो हमें यहाँ पे सम मिल रहा है, और यहाँ पे गेट डिफरेंस, हमें डिफरेंस मिल रही है, और गेट मल्टीपल, एट द एंड हमें मल्टीपल मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने कोड जो है सम फंक्शन का वो रीयूज किया। तो ये जो इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट है यही है, इनहेरिटेंस बोल रहे कि अगर हमारे पास हमने कोड पहले ही लिखा हुआ है कुछ, तो उसको रीयूज करेंगे, हमें क्या जरूरत है हम कोड को दोबारा लिखते हैं। तो अगर सपोज मुझे यहाँ पे इनहेरिटेंस में नहीं करता तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट पे फिर से लिखना पड़ता, सपोज इंट ए कामा बी, और फिर से यहाँ पे सेट करना होता ए और बी को एक फंक्शन, और फिर से एक और सम के लिए भी यहाँ पे फंक्शन लिखनी होती। तो मुझे ये सारा का सारा कोड जो है, सपोज ये सारा का सारा कोड जो है, इतना सारा कोड, तो ये मुझे फिर से लिखना होता। तो मुझे यहाँ पे जो इनहेरिटेंस ने क्या काम करके दिया, ये क्योंकि हम सिंगल इनहेरिटेंस कर रहे हैं अभी, हम ये एक एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस है, एक सिंगल क्लास को इनहेरिट किया है। हम मल्टीपल क्लास को भी इनहेरिट कर सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ सिंगल इनहेरिटेंस, जहां पे हमने एक सिंगल क्लास सम को इनहेरिट किया इन अनदर क्लास कॉल्ड एज कैलकुलेट। तो कैलकुलेट का ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, याद रखने की चीज है यहाँ पे, हम ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का बनाते हैं। क्योंकि डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें बेस क्लास की चीजें आ गई होती है, तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बेस क्लास में जो चीजें हैं वो खुद ब खुद डिराइव क्लास में आ जाती है। अब कौन सी चीजें आ जाती है, कौन सी चीजें नहीं आती है,
वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस दिस एक्सेस स्पेसिफायर कि कब चीजें आए, कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी चीजें नहीं आएंगी, डिराइव होगी. ठीक है, कुछ चीजें हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. सपोज आई कैन है रेस्ट्रिक्ट, मैं चाहूंगा कभी कि सपोज ये सेट फंक्शन जो है या कोई और फंक्शन जो है या ये वेरिएबल मेंबर डेटा मेंबर जो है ये डिराइव क्लास में इनहेरिट ना हो, तो ऐसा पॉसिबल है. हम वो कर सकते हैं, वी कैन यूज द एक्सेस स्पेसिफायर इन डिफरेंट वे. यहाँ पर फिलहाल हमने पब्लिक ही यूज किया है. लुक ऑन टू द उसमें क्या चीजें होती है, हाउ वी कैन यूज देम. ठीक है, तो ये तो था फिलहाल, ये तो था फिलहाल ये चीज कि हम कैसे कर सकते हैं एक सिंगल इनहेरिटेंस और कैसे हम अपने एक एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, यानी रीयूज, इनफैक्ट रीयूज कर सकते हैं वो वाला कोड जो हमने पहले ही से ही इस्तेमाल किया हुआ.